हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है सरसों का साग बनाना। तो आइए बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए ये हमने सरसों ली है, ये हमने अच्छे से साफ़ कर ली है, और ये पालक ली है, पालक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये हमने बथुआ लिया है, बथुए को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये हमने चने का साग लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसको काट लूँगी साग को। अब मैं साग को काटूँगी, ये मैंने दरांत लिया है। सबसे पहले मैं बथुए और चने को काट लेती हूँ। चने के साग और बथुए को हमने कट कर दिया है। अब मैं सरसों को भी कट कर लेती हूँ। और अब मैं ये पालक को भी कट कर लूंगी। इसी प्रकार से साग को कट कर लेती हूँ मैं सारे को। हमारा सारा साग कट कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से धो लूंगी साग को। ये मैंने साग को अच्छे से धो के कुकर के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको गैस पे रख देती हूँ। ये मैंने गैस पे रख दिया है कुकर को, और साग में मैं 4 से 5 विसल आने दूंगी। और अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। साग के अंदर 1/2 चम्मच ये नमक डाल रही हूँ, और एक ये मैंने छोटी गिलासी ली है, ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और कुकर को मैं बंद कर देती हूँ। कुकर को मैंने बंद कर दिया है, और 4 से 5 विसल आने तक का हम इंतजार करेंगे। जब तक हमारे कुकर में विसल आती है, तब तक मैं साग के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। और ये मैंने मसाला तैयार करने के लिए 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली हैं, 15 से 20 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, और 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा, 4 प्याज और 4 टमाटर लिए हैं। इन सबको मैंने छील लिया है, और अब मैं इसको इस चॉपर में चॉप कर लूंगी सारी चीजों को। अब मैं इन सारी चीजों को चॉपर के अंदर डाल देती हूँ। मैंने चॉपर के अंदर सारी चीजों को डाल लिया है। अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको चॉप कर लूंगी। ये मैंने सारी चीजों को चॉप कर लिया है। टमाटर को मैं बाद में चॉप करूंगी। ये देखो कितने अच्छे से मोटा मोटा चॉप हुआ है। ये हमारे कुकर में 4 से 5 विसल आ चुकी हैं। गैस को मैं बंद कर देती हूँ, और स्टीम निकलने तक का इंतजार करेंगे। जब तक हमारी स्टीम निकलती है, तब तक ये मसाला भून कर मैं तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। ये मैंने 1/2 चम्मच धनिया लिया है, इसको मैंने दरदरा हाथ से क्रश कर लिया है। धनिया को मैं डाल देती हूँ, चटक चुका है। अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूंगी, और इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूंगी। जब तक ये हमारा मसाला भूनता है, तब तक मैं टमाटर को भी चॉप कर लेती हूँ। ये मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है। अब मैं इसको भी चॉपर में डाल देती हूँ, और ये मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है। और इधर हमारा मसाला भुनने लगा है। ये हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है। कुकर को हम खोल के, ये हमने कुकर को खोल लिया है। आपको मैं चेक कर लेती हूँ। ये हमारा साग भी गलकर अच्छे से तैयार हो चुका है। साग का जो एक्स्ट्रा पानी है, ये पानी हम एक बार थोड़ा सा निकाल देंगे साग का। ये मैंने साग का पानी निकाल दिया है, थोड़ा ही पानी निकाला है मैंने साग का। अब मैं इस कुकर में वापस डाल देती हूँ साग को।
साग का पानी मैंने इसलिए निकाला है, कई बार साग कसैलापन सा होता है जिसके कारण साग खाने में थोड़ा सा कसैलापन आ जाता है, इसलिए मैंने साग का पानी थोड़ा सा निकाल दिया है। और अब मैं इसमें मक्की का आटा मिक्स करूँगी, आप चाहे बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। और इधर हमारा मसाला धीरे धीरे भुनने लगा है। अब मैं इस साग को ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैंने एक छोटी कटोरी मक्की का आटा लिया है, इसमें से मैं हाफ आटा इसके अंदर डाल दूंगी और हाफ बचा लेती हूँ और इसको मैं ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूंगी। अब मैं बचा हुआ आटा भी इसमें डाल दूंगी। मैंने यहाँ छोटी कटोरी का इस्तेमाल किया है, मैंने साग को ज्यादा बारीक नहीं किया है, मोटा ही रखा है। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। साग को मैं कढ़ाई के अंदर निकाल लूंगी। कुकर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसे पकने के लिए रख देती हूँ। इधर हमारे प्याज भुन चुके हैं, अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से भून लूंगी मैं टमाटर को। अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक मैंने साग में भी इस्तेमाल किया था पहले। चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और इस मसाले को अच्छे से भून लूंगी मैं। ये हमारा साग पकने लगा है, इसे मैं अच्छे से 3 से 4 मिनट और पकने दूंगी जिससे साग अच्छे से पककर तैयार हो जाए। और इसे मैं ढक देती हूँ। और इधर हमारा ये मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। तो आइए साग चेक कर लेते हैं। ये हमारा साग अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूंगी। मसाले को अच्छे से साग में मिक्स कर दूंगी। और साग में मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकने दूंगी जिससे कि साग के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये मैंने एक पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी लिया है, इसको घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये चुटकी भर हींग डाल दूंगी। और साथ ही ये मैंने 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची ली है, ये भी इसी में डाल दूंगी। गैस को मैं स्लो कर लेती हूँ और ये गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं मिर्ची हमारी लाल हो चुकी है भून के, अब मैं इसमें 1/4 चम्मच देगी मिर्च डाल दूंगी और अब इसको मैं साग के अंदर डाल दूंगी। साग को मैं ढक देती हूँ और ये हमारा साग कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साग हमारा बनकर तैयार हो चुका है और साग को मैं एक बाउल के अंदर सर्व करूंगी। ये मैंने साग को एक बाउल के अंदर सर्व कर दिया है और ऊपर से मैंने देसी घी डाल दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।